हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ। क्लास सिक्स की एक्सरसाइज हमारे पास है 5.6। एक्सरसाइज 5.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और ये बताना है कि जो ये कंडीशंस हैं ये किस ट्रायंगल की कंडीशन है। नेम द टाइप, ट्रायंगल का कौन सा टाइप है ये, ठीक है। फर्स्ट है ए, ट्रायंगल्स विद द लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, एक की 7, 8 और 9। अब तीनों अलग अलग साइड हैं क्योंकि तीनों की लेंथ सेम नहीं है, नहीं है तो अगर सभी की लेंथ अलग अलग दे रखी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट है ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, उसमें ए बी साइड कितनी, 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर। तीनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं, एक ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ सबकी अलग अलग हैं, इसलिए हम उसको भी क्या बोल देंगे कि स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट है सी, ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स तीनों की तीनों क्या है, इक्वल है। पी क्यू भी 5 है, क्यू आर भी 5 और पी आर भी 5। अब तीनों एक जैसे लेंथ की है, अगर हमारे पास ट्रायंगल तीनों की साइड तीनों की लेंथ इक्वल है सभी साइड्स की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है ट्रायंगल डी ई एफ विद मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल दे रखी है आपको डी ई एफ, उसमें जो डी एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है ई, ट्रायंगल एक्स वाई जेड विद मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको वाई क्या दे रखा है, 90 डिग्री एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। एक तो मैं साइड, दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल 90 डिग्री का। जब दो साइड इक्वल होती हैं तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती हैं, और 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या बोल देंगे, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है ट्रायंगल एल एम एन विद मेजरमेंट ऑफ एंगल एल, एंगल एल कितना है, 30 डिग्री का है। मेजरमेंट ऑफ एंगल एम, एंगल एम 70 डिग्री का है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल एन, एन कितने का है, 80। अब तीनों 90 से कम है, तीनों 90 से कम है तो कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि अगर 90 होता है तो राइट एंगल हो जाएगा, 90 से बड़ा होगा अगर कोई भी एक एंगल तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोल देंगे, बट 90 से छोटे हैं तीनों के तीनों एंगल तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। फर्स्ट क्या, एक साइड आपको मेजर ऑफ ट्रायंगल्स दे रखा है, दूसरी साइड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब मेजर ऑफ ट्रायंगल्स में क्या है, थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ है, तीन साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ है। अगर तीन साइड हैं और तीनों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है तो कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये आपके पास यहाँ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ है, जब दो साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है तो दो साइड की लेंथ इक्वल के लिए हमने क्या लिखा था, आइसोसेल्स। तो इसको हम क्या बोल देंगे, टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसको हमारे पास क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट है ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सभी साइड्स अलग अलग हैं, उनकी कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है या फिर कोई भी तीनों साइड इक्वल नहीं है, मीन्स सभी की मेजरमेंट अलग अलग हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट है थ्री एक्यूट एंगल, तीन एक्यूट एंगल हैं, मीन्स तीनों 90 डिग्री से कम है, तीनों 90 डिग्री से कम है तो क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वन राइट एंगल, एक राइट एंगल, एक 90 डिग्री का है तो उसको हम क्या बोल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। वन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज को हम क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है वन राइट एंगल, एक राइट एंगल विद टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, वही हमारे पास जैसे ये दे रखा था फर्स्ट का ई पार्ट, उसी की तरह दे रखा है, एक तो राइट एंगल है और दो साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, कि आइसोसेल्स भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री,
नेम ईच ऑफ द ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। आपको एक ट्रायंगल दी हुई है फिगर, और ये बताना है कि ये कौन से ट्रायंगल है। अब देखो ये ट्रायंगल दी हुई है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स दो साइड इक्वल है, और ये देखो यहाँ पे तो 1 मार्क है और यहाँ पे दोनों पे सेम मार्क है, तो इट मीन्स ये दो एंगल भी इक्वल है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे है, क्योंकि अगर हमारे पास सीधी लाइन होगी तभी तो 90 डिग्री का बनेगा, और 90 की अगर नहीं है तो उसके से कम होगी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एक्यूट एंगल। और अगर मान लिया इस ये इधर की साइड होती हमारे पास, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास लास्ट, अब ये है हमारे पास, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कैसे ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और फिर सभी की मेजरमेंट 15, 8 और 17 सभी की अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्केलन ट्रायंगल। थर्ड है हमारे पास, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये साइड बड़ी है, तो इट मीन्स ये एंगल भी बड़ा होगा, एंगल बड़ा होगा। 90 का अगर होता तो सीधी होती, लेकिन 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, तो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स मीन्स टू साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सीधी लाइन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या बोल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और टू साइड इक्वल है एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट है फिफ्थ, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2, 5.2, सभी 5.2 हैं, तीनों इक्वल हैं, तो क्या बोल देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड अब देखो 90 से कम की है हमारे पास लेंथ, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगी ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी और एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी। नेक्स्ट में ये 9, ये 10, ये 15, एक तो हमारे पास क्या हो गई, सभी साइड डिफरेंट है तो स्केलन हो गई, उसके बाद ये 90 से बड़े का एंगल है तो ऑब्ट्यूज हो गई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। इसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। हमें इसमें क्या बताना, एंगल्स से भी बताना है कि कौन सी ट्रायंगल है, और साइड से भी हमें बताना है कि कौन सी ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स क्या होती है, माचिस की तिल्लियाँ। हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल मैच स्टिक्स का यूज़ करके। सेम आर शोहर जो आपको दे रखी है बिल्कुल ऐसे, कैसे, कैन यू मेक ए ट्रायंगल विद, तो हमें क्या दे रखी है, हमें तो ये फिगर बना के दे रखी है, और उसके इनको देखकर हमें क्या बनाना है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस। थ्री मैच स्टिक्स, तीन माचिस की तिल्लियों से क्या हम कोई ट्रायंगल बना सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास, देखो यहाँ से एक तिल्ली ये आ गई, ठीक है, अब ये वाली तिल्ली ये दो, और एक इधर से फिर ये आ गई, कितनी तिल्ली हो गई, 1, 2, 3, एक ये है, एक ये और एक ये, कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 3 मैच स्टिक्स से हम बना सकते हैं, क्या लिखेंगे, यस वी कैन मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तिल्ली है, तिल्ली सभी के हमारे पास लेंथ इक्वल है, सभी की लेंथ इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये तीनों इक्वल है, इक्वल हैं, तो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है 5 मैच स्टिक्स, 5 मैच स्टिक्स से बना सकते हैं, देखो 2 इधर लगा देंगे, 4 और 1 यहाँ हो जाएगी, 5 हो जाएंगे हमारे पास। तो क्या किया, ये हमारे पास हो गई 1, 2, ये हो गई 3, ये 4 और ये 5, तो कितनी मैच स्टिक्स हो गई हमारे पास, 5, तो क्या बोल देंगे, यस वी कैन मेक ए। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, यस वी कैन मेक ए आइसोसेल्स ट्रायंगल, कि हाँ हम 5 माचिस की तिल्लियों से एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट है 4 मैच स्टिक्स, अब 4 मैच स्टिक्स हैं, क्या 4 मैच स्टिक्स से हम कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, अगर कैसे भी हम अप्लाई करके देख ले, 4 मैच स्टिक्स से हम कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते, 4 मैच स्टिक्स से हम स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट मेक ए ट्रायंगल विद 4 मैच स्टिक्स, 4 मैच स्टिक्स से हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 6 मैच स्टिक्स, 6, अब हमारे पास 6 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हर एक के लिए 2 2 लेके चल पड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये क्या हो गई 2,
इधर से यहाँ तक थ्री, और ये फोर, और ये फाइव, और ये सिक्स है। अब ये भी टू है हमारे पास मैच स्टिक्स, यहाँ भी टू मैच स्टिक्स है और यहाँ भी। इट मीन्स तीनों साइड क्या है, इक्वल है। और जब भी हमारे पास थ्री साइड्स इक्वल आ जाते तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इन्होंने बोल रखा था क्या, सिक्स मैच स्टिक्स से आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, यस वी कैन मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि हाँ हम सिक्स मैच स्टिक्स से कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद आपसे सेवन से भी पूछ सकता है, एट से भी पूछ सकता है। इसी तरह जैसे अगर आपसे सेवन से पूछ लेता है तो हम क्या करेंगे, टू इधर लगा देंगे, टू इधर, टू टू फोर, और थ्री नीचे लगा देंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, टू टू फोर, और ये हमारे पास कितनी हो गई, थ्री फोर थ्री सेवन हो जाएगी। इसी तरह हम आगे से आगे भी निकाल सकते हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी मैच स्टिक्स हो, इनका यूज़ करके जैसे ये हमें दे रखा था उन्हीं से हमने आगे निकालना। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.6, सॉरी 5, हाँ 5.6। ओके, थैंक यू।